हेलो एवरीवन, जैसे हम देख रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गई है एंड फेस्टिवल सीजन में ही यूजुअली हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं क्योंकि ये टाइम पे हमारा जो खाना होता है वो बहुत ही अलग हो जाता है क्योंकि बहुत सारे तले हुए नाश्ते या फिर मिठाइयां हम खा लेते हैं। इस वीडियो में मैं हम 9 दिन नवरात्रि के क्या खाएं जिससे हम अपना वेट पुट ऑन भी ना करें एंड जो भी स्पेसिफिक नाश्ते हैं जो तले हुए रहते हैं या मिठाइयां वो भी हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं वो बात करूंगी। और साथ ही वेट गेन ना हो पर बल्कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे और जो टिप्स बता रही हूँ, जो गाइडलाइंस बोल रही हूँ, अगर वो आप फॉलो करोगे तो आपका वेट लॉस भी हो सकता है। काफी लोग नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखते हैं एंड पर्टिकुलरली ये ऐसा एक पैंडेमिक टाइम है जहाँ हमें इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना है, तो मैं वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं वो सब फूड डिस्कस करूंगी जो आप फास्ट में भी खा सकते हैं एंड आपकी इम्यूनिटी को भी कुछ अफेक्ट ना हो और हम कैसे उस पे वर्क करें वो सब मैं डिस्कस करूंगी। सब लोग जो फास्ट करते हैं वो अलग अलग रहता है, काफी लोग सिर्फ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स पे रहते हैं और काफी लोग कुछ अलग टाइप के अनाज भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्लान में। तो मैं ये प्लान में एक ओवरऑल प्लान बता रही हूँ जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं, पर अगर आप कोई चीज इंक्लूड नहीं करना चाहते हो अपने प्लान में तो आप हटा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या फॉलो करना है। सो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे कर रहे हैं। सो हम एक ग्लास वार्म वाटर उसमें एक चम्मच नींबू का रस ऐड करके अपना डे स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर आप नींबू से एलर्जिक हो तो आप एक ग्लास सिर्फ वार्म वाटर ले सकते हो। उसके बाद ब्रेकफास्ट, सो आप ब्रेकफास्ट में 9 दिन अलग अलग टाइप की स्मूदी इंक्लूड कर सकते हो अपने प्लान में, और अगर वो स्मूदी का हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना है तो हम चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम नट्स ऐड कर सकते हैं उसमें। अगर नट्स स्मूदी में ऐड नहीं करना है तो आप अलग से भी ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गए, अंजीर हो गए, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। मिड मॉर्निंग के लिए आप नारियल पानी या फिर कोई भी फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं, पर ध्यान रखना कि शुगर ऐड नहीं करना है हमें उसमें, या फिर प्लेन लेमन वाटर भी हम ले सकते हैं, पर ये टाइम पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर में लेमन एंड थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड करके हम ले सकते हैं। लंच में हम अलग अलग वेराइटीज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे रेसिपी जिसमें पनीर इंक्लूड हो। पनीर एकदम ही सिंपल अगर मैं बता दूं तो पनीर सौते जैसा बना सकते हो और उसके साथ एक फ्रूट ले लिया, या फिर आप राजगिरा के आटे की रोटी या फिर कुट्टू के आटे की रोटी ले सकते हैं, या फिर हम साबूदाना की टिक्की जो बेक्ड फॉर्म में हो या फिर साबूदाना खिचड़ी इंक्लूड कर सकते हैं अपने लंच में। अगर आपको लंच एकदम ही सिंपल रखना है तो हम फ्रूट रायता ले सकते हैं एक बोल लंच में, जिसमें हम चिया सीड्स और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर ले। इवनिंग स्नैक्स के टाइम हम रोस्टेड मखाना या फिर मखाने की खीर या साबुदाने की खीर इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ ही बनाने का मन नहीं कर रहा है तो हम एक फ्रूट ले ले, या फिर हम एकदम ही सिंपल छाछ भी ले सकते हैं। डिनर के लिए हम अलग अलग आटे के वैरायटी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हम सिंगारे का आटा इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी रोटी बना सकते हैं या उसका पॉरिज बना सकते हैं, हम कुट्टू के आटे का चिल्ला बना सकते हैं, या फिर हम उपवास के चावल की खिचड़ी बना सकते हैं जो सामक खिचड़ी भी बोलते हैं हम। अलग अलग आटे जैसे कि कुट्टू का आटा हो गया, राजगिरा का आटा हो गया, उसकी रोटी या उसका पराठा दही के साथ भी ले सकते हैं हम। ये भी जो प्रेपरेशंस बना रहे रहेंगे उसमें हम अलग अलग टाइप के मसाले जैसे कि जीरा हो गया, जायफल, दालचीनी, लौंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये जो मरी मसाले हैं ये हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। हम सब्जियां भी जैसे स्वीट पोटैटो, शकरकंद हो गया या फिर केला हो गया, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम लंच या फिर डिनर में उसका सब्जी बना लिया चिल्ले के साथ या फिर रोटी के साथ या फिर स्टफ्ड चिल्ला जैसा बना लिया या फिर एक साइड डिश जैसी बना ली, तो ये सब वैरायटीज में हम ये वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम मिड मॉर्निंग या फिर अपने इवनिंग स्नैक टाइम में थोड़े से जो नमकीन रहते हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं तले हुए, पर हमें ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो कम रहे, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि ये फेस्टिवल ही एक ऐसा सीजन है जब हम ये सब इंक्लूड कर सकते हैं, सो हम ऑफकोर्स करेंगे पर उसका जो क्वांटिटी है वो कम करेंगे। मेजरली वाटर इंटेक पे भी ध्यान रखना है, सो पूरे दिन में हमें एटलीस्ट 2-3 लीटर्स वाटर इंटेक रखना है।
आप चाहे तो कोई भी एक टाइप का फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं, वो चाहे एकदम ही सिंपल वॉकिंग भी क्यों ना हो. सो आप 30 to 40 मिनट्स के लिए एक टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं. ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आप लोग इसको फॉलो कीजिए. अगर आप वेट लॉस नहीं भी करना चाहते पर एटलीस्ट एक हेल्दी फास्ट के लिए भी ये सब गाइडलाइंस आप फॉलो कर सकते हैं. प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. थैंक यू एवरीवन.